पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सत्य साई राम आदर्श विद्या मंदिर में स्वर्गीय श्री रामकुमार और स्वर्गीय श्रीमती सत्यवती देवी की स्मृति में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर अभिजीत बरुआ और नीलम शर्मा द्वारा किया गया। डॉक्टर अभिजीत बरुआ ने अध्ययन में खेलों की भूमिका के विषय में बताया तो वहीं प्रतियोगिता में विजयी और अपने ग्रुप में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अमित कौशल अध्यक्ष बाल कल्याण समिति और हरिमोहन गुप्ता सदस्य बाल कल्याण समिति द्वारा मेडल देकर उत्साह वर्धन किया गया। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलों की आवश्यकता के विषय में बताया। खेलों का सफल आयोजन विद्यालय के डायरेक्टर अभिनंदन प्रताप सिंह द्वारा किया गया। विद्यालय के प्रबंधक विजय कुमार सिंह ने खेलों के महत्व को बताते हुए प्रेरणा और आशीर्वाद दिया। प्रतियोगिता के सफल संचालन में ओम सोमवशी, रुचिका, शालिनी, दीपा चौधरी, रितु चौधरी सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी अतिथियों और अभिभावकों का भी आभार और धन्यवाद विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ने किया। सत्य साई विद्यालय में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो इसके डायरेक्टर हैं श्री ब्रजेश जी, मैं उन्हें 20-25 साल से जानता हूँ। वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं और ये मुझे जान के बहुत खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है। और उम्मीद करता हूँ इस विद्यालय से भी बच्चे निकलेंगे और वो भी प्रशासनिक पदों पर आसीन होंगे। इसी के साथ मैं जो विजेता बच्चे हैं उन्हें मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और जो बच्चे मेंटेन रहने से वंचित रह गए हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा वो निराश ना होए और लगातार प्रयास करें और मेडल प्राप्त करें। अगले साल अपने गुरु डायरेक्टर इस विद्यालय के ठाकुर विजय सिंह जी का कि जो आज मैं भी कुछ भी हूँ वो अपने गुरु की ही वजह से है कि उन्होंने सही है कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट बना तो आप ही की वजह से बना, अन्यथा आज मैं भी शायद एक आम आदमी रहता। जब मैं आपके संपर्क में आया था तो एक पास था और 8 साल की गैप रहा मेरे एजुकेशन में, तो आपने मुझे हाईस्कूल कराया, इंटर, ग्रेजुएशन और आज जब भी मुझे ज़रूरत होती है कुछ भी पूछना होता है तो मैं आज भी आपको ही कहता हूँ, क्योंकि जो मेरा परिचय है अमित कौशल कुछ नहीं है, उसके गुरु ही हैं और जो भी है ठाकुर विजय सिंह की वजह से है। और बहुत कम शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जब मैं हो सकता हूँ तो आप तो हमेशा इनके पास रहते हैं, 8 घंटे आप इनके संरक्षण में गुजारते हैं। मैं तो मात्र 2 या 3 घंटे दे पाता था शाम को फर्म से आने के बाद और जो भी बात हो पाती थी तो वही समझा पाते थे मुझे, बल्कि आपको तो 8 घंटे का संरक्षण प्राप्त हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शिक्षा ग्रहण करिए, बहुत बेहतर है। ये हमारे स्कूल में आज 2 दिवसीय कार्यक्रम था, खेल का कार्यक्रम था। इसमें करीब करीब 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस स्कूल से। किस तरह के कार्यक्रम रहे हैं सर? हमारे स्कूल में ना अलग अलग तरीके के काम कार्यक्रम कराए जाते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में अगर हम काउंट करें तो हमारे यहाँ पेरेंट्स के गेम अलग थे, बच्चों के गेम अलग थे। तो हमारे पास में म्यूजिकल चेयर, बैलून गेम, टॉपिंग गेम्स और दूसरे टाइप के बैडमिंटन, रिले रेस, 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर्स एंड वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, सो मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट गेम वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। मेरे बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया है। किस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कैसा रहा ये? नहीं, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छा रहा है, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी जिस तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और खेल है सर, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन जिस तरीके से समझ में आया आज बच्चे काफ़ी सीरियस है स्पोर्ट्स के लिए भी।
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।